भाई फिर से स्वागत है एक नए दिन में, नए व्लॉग के अंदर। आज दिन हो रहा है बहुत सनी दिल्ली के अंदर, और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। कोई लोग को बोलते हैं कि भाई टाइम नहीं दिखता, तो चलो ढंग से टाइम दिखा रहा हूँ कि 10:30 हो रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं भाई टाइम नहीं दिखता, तो चलो ढंग से टाइम दिखा रहा हूँ, दोबारा देख लो भाई टाइम 10:30 हो रहे हैं। ठीक है जी, अभी हम जा रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का इलेक्शन है, और अब मैं जो उसको सपोर्ट कर रहा हूँ है शैलेश तिवारी, कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर एग्जीक्यूटिव, तो बैलेट नंबर है 23। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ 10:30 बजे, 10 बजे से वोटिंग स्टार्ट होती है, तो मैं जा रहा हूँ। देखते हैं पार्किंग पहले मिलेगी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सुबह सुबह पार्किंग अपन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि आ जाए इलेक्शन वाला दिन, इलेक्शन वाले दिन वाले दिन ना दिक्कत ये होती है कि सुबह पार्किंग मिलती नहीं है। हर बंदा क्या करता है आज के दिन, पार्किंग लगाने जाता है। मैं बहुत थोड़ा शीशा साफ कर रहा था, धूल उड़ रही है ना दिल्ली के अंदर, तो इलेक्शन वाले दिन के अंदर पार्किंग मिलती नहीं जल्दी से, तो अभी मैं जा रहा हूँ वहीं जाके मिलता हूँ आपको। तो आज भी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर इलेक्शन है, तो भाई 2-3 गेट बंद होगा, गेट नंबर 7 शायद से बंद होगा माइट बी, तो 5 नंबर से एंट्री करनी पड़ेगी। 5 नंबर वाला गेट जो उधर तरफ है, वैसे भी जनरली गेट नंबर 7 से एंट्री करता हूँ इधर की तरफ से। अब बस शैलेश भाई से जाके मिलते हैं, उनको फोन आ गया था कि भाई चेतन कब आ रहा है। वैसे उन्हें 8 बजे आने की बोला था, लेकिन मैं सोया रात को 4 बजे, यार कुछ काम कर रहा था, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाया भाई। फिर 9 बजे उठा, 9 बजे उठ के मैं तैयार वैर होकर पूरा जा रहा हूँ। बाकी तैयारी हो रही, धूप बहुत हो रही है आज, बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई हमारे को धूप के चक्कर में, क्योंकि धूप होती है ना तो आदमी खड़ा नहीं हो पाता, और हम लोग कोट वैसे ही वेयर करते हैं पूरे टाइम पे, जितने टाइम पर रहते हैं 12 घंटे तो करते ही मोस्ट ऑफ प्रॉब्ली, तो वो है बात है। 12 तो नहीं, 10 से 6, 8 घंटे हो गए हम लोग कोट वेयर करते हैं, तो चक्कर में भाई धूप बहुत होती है, दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा धूप के चक्कर में। तो बस वही बात है, अब यहाँ से निकलते हैं, शैलेश तिवारी भाई से मिलते हैं, और इलेक्शन में बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, कम से कम 80 से 90 लोग खड़े हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सेक्रेटरी के लिए, ट्रेजरर के लिए, मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए, मेंबर एग्जीक्यूटिव फॉर 25 ईयर्स, मैंगलोर सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए, तो वो सब बातें हैं और बहुत सब लोग खड़े हो रहे हैं। अब देखते हैं कौन कौन जीतता है, क्योंकि रिजल्ट माइट भी आज ही या शाम को आ जाएगा, 11 बजे तक रिजल्ट आ जाता है, तो मैं रात को 11 बजे शायद से वही रुकूंगा 10-11 बजे तक, क्योंकि शैलेश भाई हैं तो रिजल्ट एक बार क्लियर करके आएंगे। भगवान का आशीर्वाद रहा और बड़ों का आशीर्वाद रहा, तो क्या पता हमारा ये जो है आपका इलेक्शन निकले जाए और शैलेश भाई मेंबर शूट बन जाए, क्योंकि वी ओनली नीड 400 to 450 वोट्स जस्ट टू विन द, तो उतने हैं 450 से 500 वोट अगर मिल गए हमें तो काम हो जाएगा बल्ले बल्ले। तो उसी का विद द गॉड ग्रेस हम उसी की प्रे कर रहे हैं, मैं भी, शैलेश भाई भी, और बाकी जब हमारी टीम है वो भी, कि भाई कम से कम भाई बन जाए, तो ये है कि हम लोग सब एक मजबूत बात हो जाती है कि हाँ भाई। और बाकी मोहित सूरी सर तो हैं, नारायण हरिहरन है सर, उनको भी हम कर सपोर्ट कर रहे हैं, सुनील मित्तल सर हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव फॉर मेंबर एग्जीक्यूटिव फॉर 25 ईयर्स के अंदर, तो वो सब उन सबको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जाके वोट डालता हूँ, पहले तो मैं जाके पहले वोट ही डालता हूँ, उसके बाद फिर सारा काम देखता हूँ। आपको हाईकोर्ट चल के मिलता हूँ, ठीक है जी, ओके। इलेक्शन ओवर हो गया, सब लोग बैठे हैं, अब उसके बाद काउंटिंग होगी थोड़ी देर बाद। बहुत भीड़ है, सब लोग वोट डल चुके हैं, अब सारा खत्म हो गया मामला, अब सिर्फ काउंटिंग बची है। हेलो, ये एंट्री थी जी, तक लास्ट एंटर भाई, ये भी जगह सारी भरी हुई है, आज तो खाली होगी, तो सारी है थी, ये सारा 7 नंबर गेट के साथ की जगह है, तो ये ग्लास कैंटीन, ग्लास कैंटीन चल रहा है, तिवारी में बैठे हैं साइड में बिल्कुल मज़ार के बाहर, हम उसको अंदर लगाने जा रहा हूँ, देखता हूँ कहीं पार्किंग मिलती है, तो क्योंकि अंदर लगाना पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं वहाँ से टो तो नहीं होगी, क्योंकि आज इलेक्शन का दिन है, बड़ा थिंग इज दैट फॉर सेफ साइड में वहीं अंदर लेके आ रहा हूँ गाड़ी को, देखता रास्ते में देखता जाता, अगर कहीं जगह मिलती है तो यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ हैं, लोग जल्दी निकल जाते हैं 5 बजे ही, लेकिन अभी देखो बहुत गाड़ियाँ लगी हैं, 1-2-1, 1-2-1 गाड़ी खड़ी की जगह नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जगह मिल जाएगी तो अच्छा होगा, ऐसे मिल जाएगी, लग रहा है कि जगह ये थी, और एक जगह लग जाएगी गाड़ियाँ पर लग जाएगी, ऐसे लग रहा है मुझे, जल्दी से ले आऊँगा ना, अच्छा लग जाएगी, इधर फिर दिक्कत आ जाएगी मुझे, नहीं मुझे ना फिर मेरे को सब जगह लेके गाड़ी लेके घूमना पड़ेगा बेफो की तरह, पार्क मिलना जरूरी है, क्योंकि आज बहुत लोग रुके हुए हैं, 30 हज़ार वगैरह की भी, और सारी जगह पूरा जाम लगा हुआ है, अब यहाँ से पूरा गाड़ी लेके आना पड़ेगा, मेरी गाड़ी उस तरफ खड़ी है,
आगे तरफ यहीं पे आगे यहाँ खड़ी है पूरी भाई। बहुत जाम लगा हुआ है, बहुत जाम, ये देखो पूरा जाम ही जाम लगा हुआ है, ठस के पूरा देखो जाम लगा, ठस के जाम लगा हुआ है। क्योंकि ये वकीलों की गाड़ी लगी है, सब ये वकीलों की गाड़ी है, सब वकीलों की गाड़ी, लेकिन मैं मान ले रहा हूँ गाड़ी से मेरे कन्वीनियंट है, मैं बाद में आऊँ। अपनी गाड़ी वो खड़ी हुई बाहर, वो खड़ी हुई भाई, दिख रही लाइट, ये देखो खड़ी मजार कर रहा है, कहीं जाती तो नहीं, लेकिन ये ना सुबह यहाँ पर पूरा भरा हुआ था इस जगह पर, सब लोगों ने कहा अंदर ले आकर लगा दिया, कुछ लोग निकल भी गए होंगे, लेकिन मुझे रुकना पड़ेगा शैले भाई के चक्कर में। ये देखो पूरी 30,000 के अंदर भी निकल गए, सारे 100 रुपये वगैरह जो मेरे दोस्त वगैरह सब निकल गए। सर मैं बताऊँ ये रही अपनी गाड़ी रोड, ये वाला खाली है, ये वाला भी खाली हो गया, थोड़ा सा पीछे भरा हुआ है, और अपन निकलते हैं यहाँ से, पहले स्टार्ट करो गाड़ी को भाई। हाँ पीछे गाड़ी आ रही है, दनादनी देखो, ये पूरा IAS IPS ऑफिसर्स रहते हैं यहाँ पर, सीधे जाके आगे से लेके वो लूँगा यू टर्न, फिर जाके निकलूँगा आगे। हाँ चलते हैं अंदर, अंदर जाके साइकिल शैलेश भाई का फोन आया, कह रहे कि भाई उसमें आ जाओ, ये देखो कितनी पार्किंग है भाई, कितनी पार्किंग भरी हुई है पूरी, कह रहे सेकंड फ्लोर पर आ जाओ चेतन, वो देना शैलेश तिवारी के लिए हो, तो उसी चक्कर में ऊपर जा रहा हूँ, सेकंड फ्लोर पर जाना पड़ेगा मेन बिल्डिंग के अंदर, तो किसी को बुलाना पड़ेगा नीचे मेरे को, इससे मेरे को अंदर ले जाए कोई, नहीं तो शैलेश भाई फिर खुद ही आना पड़ेगा, अरे मैं तो आऊँगा नहीं, खरे तुम ही आ जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं तो फ्रेंड ऊपर ही आ रहा हूँ, ऊपर जाके शैलेश भाई के ऊपर मिलते हैं, क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट हो गई, बस देखते हैं भाई, बड़ी मेहनत कर ली सुबह से घूम घूम के शैलेश भाई के लिए, देखते कितने वोट मिलते हैं, हारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलो हारेंगे तो हो तो भगवान ने जो लिखा हुआ वही होगा, और थिंग इज दैट कम से कम मेहनत तो करनी चाहिए आदमी को, क्योंकि एक बार जीवन में मेहनत करने के बाद जो सफल नहीं होते, लेकिन तो थिंग इज दैट मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को, क्या तो भगवान ने किसी कुछ और लिखा उससे बड़ा लिखा हो जो आपको है, मान लो आप 2 रुपये के लिए मेहनत कर रहे हो, भगवान ने 20 रुपये रखे आपके जीवन में, तो वाली बात है, तो चक्कर में ऊपर जा रहा हूँ मैं। चलो भाई अंदर चले गए, मेरे को रोक भी लेते हैं, मैं कह रहा नहीं भाई गाड़ी बढ़ी है रोड पर, तो फिर कह रहे अच्छा, मैंने कहा अंदर ले आके आता, सेकंड फ्लोर पर काउंटिंग होती है हर बार, जो ऊपर वाला वो है ना बार रूम, उसके अंदर काउंटिंग होती है, तो उसके अंदर हम जा रहे हैं, जाके काउंटिंग करवाते हैं शैलेश भाई की। आज क्या जरा काउंटिंग चल रही है, इस तरह शीट है, बहुत भीड़ हो रही है, हमारा कैंडिडेट भाई हार गया, लेकिन शाम शर्मा जी जीत गए, रिजल्ट पहली दूसरी वॉलेट पे पता लग गया था मेरे को भाई कौन सा है, ईवीएम मशीन के अंदर ही, बहुत बढ़िया, ढोल बज भाई, ढोल बजे नीचे, ढोल बज गया, शाम शर्मा भी जीत गए, भाई जीत गया, धनमोहन ने निकाल ली, धनमोहन सबसे आगे चल रहा है मेंबर ऑफ टीम में, और 25 ईयर स्टैंडिंग में है शाम शर्मा सर सबसे आगे, और फिर दूसरे नंबर पर संजय दीवान सर, और जतन सिंह सर भी जीत गए, हेरी जतन सिंह जीत गया, जतन सिंह सर भी जीत गए, और मोहित माधव सर प्रेजेंट में, ये तो मेरे को अभी पता लगा था मोहित माधव सर ही जीतेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा था जिस तरह से फ्रेमवर्क चल रहा था ना, और पॉपुलरिटी चल रही थी, पब्लिसिटी चल रही थी, उस तरह से मेरे को पता लगा था कि सर ही जीतेंगे, बाकी भी बंदे बैठे हैं इंतजार में, सभी लोग बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं लोग, बैठे हैं यहाँ बैठे हैं, और बस इलेक्शन में गंदगी तो हो ही जाती है भाई, तो झाड़ू वाड़ू लग रही है, सफाई हो रही है, बाकी ढोल बजने लग गया भाई, ढोल बजने लग गया, कई लोग जो जीत गए वो ढोल बजने लग गया, मैं कई को मुबारक भी देकर आ गया, धर्मन वगैरह को, सचमन जिंदा को, मैंने कहा भाई पार्टी का टाइम मत भूलना, कहीं तुम बोलो, कहीं तुम्हें वोट दे दिया मैंने, तो पार्टी टाइम भूल मत जाना कहीं तुम, तो वाली बात हुई है, बस निकलता हूँ मैंने यहाँ से, क्योंकि सब लोग निकल गए, मैं भी निकल रहा हूँ, मेरे को पता है रिजल्ट तो पहले ही आ गया,
शरीर से भाई बैठे हैं, मैंने भाई बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई जरूरत नहीं बैठने की, मेरे रिजल्ट तो पता ही है बहुत अच्छा है, मैं ज़्यादा खर्चा भी नहीं करता इलेक्शन के चक्कर में ना, मैंने मना करता चले भाई, मैंने कहा एंड में खड़े हो रहे हो 15-20 दिन पहले ट्राई कर रहे हो आप, तो इसलिए आप वो मत करना, ज़्यादा पैसा खर्चा होता ना, तो मैंने ज़्यादा खर्चा भी नहीं करा, अच्छा भी हुआ, खर्चा करते तो नुकसान हो जाता। तो इस चक्कर में अब शैलेश भाई अंदर बैठे हैं, मैंने कहा भाई मैं बाहर ही हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो फोन करके बुला लेना मुझे, या पता है आप कहता है निकल जाओ कॉफ़ी पीते हैं चल के, थोड़ा कुछ खाता बताओगे, भूख लग रही काफ़ी देर में, कुछ खाया नहीं जाता, एक थाली खाई थी बस ये। तो उस चक्कर में शैलेश भाई अंदर ही बैठे हैं, बाकी रिजल्ट तो क्लियर कट ही भाई, बाकी जितने मर्जी बैठ बैठ रहा कुछ भी करो, चलो अभी तो देखता हूँ कॉफ़ी वगैरह भी मिल जाती तो माइट भी पॉसिबल, नहीं मिलती फिर कोई बात नहीं, निकल जाएंगे घर अपने से बिल्कुल, क्योंकि सब लोग ही निकल रहे हैं, मैं रुक करूँगा भैया रिजल्ट पता ही है, तो मैं थोड़ा निकल ही लूँ, तिवारी भाई बैठे हैं अभी, बहुत गाड़ी खड़ी हुई है, बहुत गाड़ी खड़ी हुई है, बहुत गाड़ी खड़ी भाई, बहुत गाड़ी खड़ी हुई है, खड़ी हुई, देखो नादन गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं पूरी, सारी गाड़ी हमारी गाड़ी दूर खड़ी थी, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है पीछे जाके, ये गाड़ी भी भाई सुबह से स्टार्ट हो रखी थी, अब बंद हुई है, ये सारे आई एस ऑफिसर्स रहते हैं यहाँ पर, IAS IPS ऑफिसर्स रहते हैं, IAS ऑफिसर भी रहते हैं हमारी, सारी उनकी कोठी हैं, बहुत पुरानी डबल स्टोरी है पूरी, इधर ये खड़ी गाड़ी अपनी, रोड बड़ा खाली हो गया, वैसे दिन में सारा रोड भरा हुआ था ये वाला, फिर अपनी गाड़ी खड़ी, अब निकलते हैं फटाफट और चलते हैं गोली की रफ्तार से, कितनी मुश्किल अराउंड 15-20 मिनट, तो यहाँ से निकलते हैं अभी, क्योंकि हाईकोर्ट में मैंने बताया था रिजल्ट लोगों को, मोस्टली कल भी बता रहा था मैं लोगों को रिजल्ट, भाई मैं यहीं बैठा हुआ था अभी हाईकोर्ट के अंदर ही, शैलेश तिवारी भाई का रिजल्ट पता लग गया कि हमारे कम बहुत कम वोट आ रहे, शैलेश तिवारी भाई ने बहुत लेट में डिसाइड करा कि मैं इलेक्शन लड़ने मेंबरशिप का, मैंने बोला भी था भाई कैब अगर हम लेट डिसाइड करते तो ज़्यादा खर्चा मत करना, तो उन्होंने ज़्यादा खर्चा करा भी नहीं, अब शैलेश भाई के वोट आ रहे हैं 10-15 आ रहे हैं, और धनमोहन के काफ़ी अच्छे आ रहे हैं भाई के, और रजत रमनचंदा के काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और बाकी मैंने काफ़ी लोगों को कल रिजल्ट बताया दिया था, मैं दोस्तों को जो मेरे साथ रहते हैं, मतलब 100 बंदों को मैंने कल रिजल्ट बता दिया भाई क्या रिजल्ट आ रहा है, लेकिन लोग ना विश्वास नहीं करते आपका, लोग सोचते हैं भाई तेरे को 10 साल हुए हैं स्टैंडिंग होते हुए भी, मतलब 10 साल से प्रैक्टिस तो कर रहा है, तेरे को ज़्यादा गलत होना होगा, लेकिन भाई ये नहीं पता कि मेरे बाप दादा शुरू से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं 1923 से, लेकिन वो कहते हैं मैंने बोला था भाई मोहित महतो सर जीतेंगे प्रेसिडेंट के लिए, नहीं माने लोग, मैंने जतन सिंह सर जीतेंगे वो नहीं माने लोग, मैंने बताया था भाई धनमोहन निकालेगा नहीं माने लोग, तो वही है भाई, अब जिन लोगों ने मेरे को कल बोला था ना कि भाई धर्मेंद्र नहीं बता, मैंने उनको फोन करके बता रहा हूँ कि भाई देखो जो मैंने रिजल्ट बताया था भाई, और मैंने बोला था भाई एफिडेविट लिखवा लो ये रिजल्ट होगा, मैंने बता दिया था, और दिन में मैं लोगों को ही बोल रहा, लेकिन ना लोग विश्वास नहीं करते, लोग सोचते चलना भैया से देर का पता, लेकिन भैया उनको फोन कर बता रहा तो वो भी खुश हो रहे हैं, यार भाई तू तो भाई प्रेडिक्शन सही करता है, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा भाई, ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ जो वोट डालते हैं या लोग कि जैसी लहर चल रही है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि कैसे रिजल्ट क्या रिजल्ट आएगा, बस भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले करो, जरा चैनल है अपना सब्सक्राइब कर ले करो, क्योंकि वीडियो अगर आया आप सब्सक्राइब करो तभी तो वीडियो आपके पास आएगी, कई लोग बोलते हैं भाई वीडियो नहीं आती, चैनल सब्सक्राइब करोगे वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे वीडियो को, और अगर कमेंट डालोगे भाई कमेंट डालो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट डालने से ये होता है कि आपको पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा भाई कि वीडियो में क्या पसंद नहीं आ रहा, तो वो वाली बात है, और अगर कमेंट पता नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा, वीडियो लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे तो भी चलेगा भाई, डिसलाइक कर दो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसलाइक करोगे या लाइक करो तो पता लगेगा, निकलते हैं यहाँ से, जबकि बज रहे हैं 9:13 और मैं आया था 9:15 में सुबह घर से निकल गया था, और मेरे को पार्किंग मिली थी, मैंने पार्किंग बाहर रोड पे लगाई, फिर उसके बाद मैं अंदर पार्किंग लेकर आया, अब मैं से निकलते हैं थोड़ा गाने चलाते हैं थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं, मैं सोच रहा था कॉफ़ी पी लूँ, कॉफ़ी मिली नहीं, सारी दुकानें बंद हो गई, वो कह रहे सर अब तो सारा माल खत्म हो गया, लेकिन आज का इलेक्शन कह रहे सर बहुत लोग गैदरिंग आए थे, कह रहे लास्ट टाइम 2017 में इलेक्शन हुए 2019 में इलेक्शन हुए उस टाइम इतनी गैदरिंग नहीं थी, और कह रहे BCD के इलेक्शन भी बार काउंसिल दिल्ली के अगर उसमें भी इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज बहुत भीड़ थी सर, हम जितना दूध वगैरह लाए थे कॉफ़ी वगैरह के लिए और सब सामान लाए थे पैटीज वगैरह वो सब खत्म हो गए, कह रहे सर, मैं कहा अच्छा जी, तो हमारे पूरन जी हैं संतराम जी के, जसंतराम जी बहुत पुराने तो उनके बेटे हैं पूरन जी, तो उनके भाई इतना सामान बिका ना, कह रहे भाई सर इतना सामान बिका मैं क्या बताऊँ, तो खुश हो गया सामान बेच के, मैंने कहा अच्छा जी, तो कह रहा आप सर निकल रहे हो, मैंने कहा हाँ जी, तो कह रहे रिजल्ट क्या, मैंने कहा सर रिजल्ट वही था जो मैं आपको कल बता रहा था, कह रहा हाँ सर जी बिल्कुल यही हुआ, मैंने कहा बता रहा था ना, कह रहे हाँ, कह रहे सर मैंने कहा बताओ, कह रहे मेरे को भी यार यहाँ पे हो गए 43 ईयर्स हो गए काम करते, मैंने कहा सर मेरे को 10 साल ले लो फिर भी मेरे को बताया सर, 10 प्लेट है ये, मैंने मूली